हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड की शानदार हीरोइन अनुष्का शर्मा की शादी को लेकर हर तरफ चर्चा जोरों पर है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये दोनों 12 से 15 दिसंबर के बीच शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके लिए दोनों इटली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। मगर क्या आपको पता है कि क्रिकेट में बड़ा नाम कमा चुके विराट और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी अनुष्का शर्मा की कुल संपत्ति कितनी है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के बाद इन दोनों की संपत्ति मिलकर कितनी हो जाएगी? वेबसाइट फिनप.को इनके अनुसार अगर विराट और अनुष्का की सालाना आय शादी के बाद करीब 610 करोड़ रुपए हो जाएगी। वेबसाइट ने दोनों सेलिब्रिटीज की इनकम का ब्रेकअप भी पेश किया है। अब इसमें बात करें, विराट की सालाना कुल आय करीब 390 करोड़ रुपए है। एक वनडे मैच के विराट 3 लाख रुपए है, वहीं टेस्ट मैच की उनकी फीस 5 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि उनके 2 सीजन की इनकम करीब 14 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी विज्ञापनों से होने वाली कमाई और प्रॉपर्टी की कीमत जोड़कर कुल 42 करोड़ रुपए होते हैं। उनका करीब 18 करोड़ का पर्सनल निवेश भी है। विराट के पास 6 लग्जरी कारें हैं जिनकी कुल कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। वहीं आप बात करें विराट की होने वाली पत्नी की यानी अनुष्का शर्मा की, तो अनुष्का ने 2008 में शाहरुख की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अनुष्का का अपने भाई के साथ क्लीन स्लेट फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। बताया जाता है कि अनुष्का अपनी एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ की फीस लेती हैं। साथ ही वो विज्ञापनों से भी करीब 4 करोड़ रुपए कमाती हैं। अनुष्का का पर्सनल निवेश कुल 36 करोड़ सालाना है। उनके पास 4 लग्जरी कारें हैं जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। हाल ही में उन्होंने अपनी क्लोदिंग लाइन नुश भी लॉन्च किया है। वेबसाइट के अनुसार उनकी संपत्ति 220 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि इंडियन क्रिकेट टीम कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इटली में शादी करेंगे। वहीं वेन्यू की बात करें तो मिली जानकारी के मुताबिक टोस्काना में बने बोर्गो फिनकीतो विला में उनकी शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। गेस्ट लिस्ट में क्रिकेट जगत से 3 और बॉलीवुड की 7 सेलिब्रिटीज का नाम शामिल किया है।